सरकार ने बीपीएल सूची धारक परिवारों के वृद्धजनों के भरण पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन की योजना बनाई है। हालांकि ये रुपया तो बहुत ही कम है, फिर भी जन प्रतिनिधियों एवं सरकारी कर्मचारियों की निरंकुशता और लापरवाहियों के कारण ये रुपया भी बहुत ही कम ही लोगों को मिल पाता है। ऐसा ही मामला वाराणसी जनपद के हरंगा ब्लॉक के उदयपुर गांव में कल्लो देवी सहित कुल 10 लोगों का अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तकलीफ खाली ना सकती बेटा, खटर का एकदम अभी हिम्मत नहीं पड़ा तो कोई पूछत नहीं भाई, अब घर में से बिलबिला गली दे घर कहूंगा नहीं। आपका वृद्धा पेंशन बना है? नहीं मैडम, ना बना ना। वृद्धा पेंशन ना बनने से आपको क्या तकलीफ होती है? तकलीफ बहुत बा मैडम, रखा है उम्र नहीं अब रहा, बुढ़ पुरनिया हुआ कहाँ खटक भेजी। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिलने लगे तो क्या आपकी समस्या कुछ कम हो सकती है? काहे न मैडम, समस्या काहे न कम हुई, खा तो सकीला रोटी न घर में। वृद्धा पेंशन नहीं कुछ मिला था, खाने के तकलीफ पर था, धोती कपड़ा का तेल कपार के लिए कुछ परेशानी हुआ। अब दो पैसा रहा तब हम जन मन करते खाई, जन चाहे तो पहनी, जी तो साला कोई चीज भी चाहे आज तो नहीं ले सकते, सब परेशानी है। पतो लोग कहीं हैं, नतनी कहीं हैं, बैठे बैठे कानून करत हूँ, एक रोटी खात हूँ, हैं चला तू खटा, अब बता कौन सी का करी। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इन लोगों का भी वृद्धा पेंशन बने, ताकि इनका बाकी का जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत हो सके। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग हरंगा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-46-52-89 पे कॉल करके दबाव बनाएं। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।